नमस्कार आदाब। टेल मी अबाउट इट के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है सभी सुनने वालों का और दर्शकों का। और आज हमारे खास मेहमान, और मेहमान क्या कहूँ मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और वो मेरे बड़े अजीज हैं। हमारे हिंदुस्तान के बेहतरीन मायनाज तबला नवाज डॉक्टर अनीश प्रधान भाई आज हमारे साथ यहाँ कुछ गुफ्तगू, कुछ खास मुद्दों पर, कुछ खास खास चीजें, कुछ उनके तजुर्बे, कुछ उनका उनका सफर कैसा रहा, और बहुत कुछ सुनने को और समझने को और सीखने को आज हम सबको उनसे मिलेगा। मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग यहाँ रहें और उनकी बातें बहुत ध्यान से सुने। सुधीर भाई भी यहाँ हमारे बीच आ गए हैं। नमस्ते सुधीर भाई। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अनिश भाई को इनवाइट करना चाहता हूँ। और आदाब अनिश मुराद भाई भाई, नमस्कार। आदाब नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत आपको अच्छा लग रहा है आपका। आपको बहुत 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 बहुत, बहुत स्वागत है हमारी दोनों एकेडमी की और सोसाइटी की तरफ से। और खैर मकदम है आपका माशाल्लाह। बहुत बहुत तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुराद भाई। आपको भी, महुआ जी, नुपुर जी, सबको, एकेडमी और सोसाइटी को, दोनों को मुझे इसमें शामिल किया आपने। आप तो शुरू से शामिल हैं हमारे साथ बल्कि और मैं कहने मतलब वाला था कि मैं तो घर का ही हूं। जी बिल्कुल। ये तो आपके कहने की क्या बात है, हम मानते हैं ऐसा और इसे समझते हैं आपको, कि आपकी दुआएं और शुभा जी की दुआएं हमारे साथ हमेशा बचपन से रही हैं। और ये दुआएं कि आप दोनों की दुआएं हम सब पर हमेशा बनी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद ये आपके लिए हमारी एकेडमी से नुपुर भाई। नमस्ते नुपुर जी, जी नमस्ते। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सुधीर टीम। भाई भी। अच्छा, ये एकेडमी की तरफ से, महुआ जी की तरफ से, क्योंकि वो एकेडमी के एडमिन हैं, तो वो जो भी मैसेज करते हैं जी जी वो जी नमस्ते एकेडमी के थ्रू आता है। और आपके लिए महुआ जी, नमस्ते। एक और ये देखिए आप ओहो, ये तो जी हमारे नायक जी जी इसलिए ये खास एपिसोड है। इसमें सबसे लास्ट में एक नायक का एक सवाल आता है, वाह वाह वाह, इसलिए क्या मैंने बात सुधीर है, भाई को स्पेशली बुलाया है कि ये बहुत सेशन अच्छा बहुत ज्वाइन करें। अच्छा। नमस्ते सुधीर जी। बहुत सारे कलाकार माशाल्लाह जुड़ चुके हैं, तो खैर, सबको क्योंकि मेरा मैं हमेशा नमस्कार। जी जी माशाल्लाह, और मैं हमेशा ये कहता हूँ सभी से कि आपने तो बहुत सालों से मुझे देखा है, छोटेपन से अब तक, और शुभा जी ने और पहले से देखा है, तो बस सारंगी की सेवा करते रहें। ऐसी दुआ हमारे लिए कीजिए। ये प्रोफेशन नहीं है हमारा कि भाई मैं एंकर बनूँ या कुछ कुछ सारंगी के अलावा कुछ सोचूं। सिर्फ ऐसे ही सोचा कि क्यों ना ऐसा इंटरेक्टिव सेशन किया जाए जहाँ सभी कलाकारों के जर्नी के बारे में, और जो जो इस दौरान जो बहुत सारी चीज़ें चली हैं या चलती भी आ रही हैं, या अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इसकी सोच पता चले, और ताकि जो अपकमिंग कलाकार हैं या एस्टेब्लिश कलाकार हैं उनको कुछ सीखने का और समझने का एक चांस मिले, अवसर मिले। तो नहीं, संगीत के बारे में चर्चा होना और संगीत के विद्यार्थियों के बीच और कलाकारों के बीच ये चर्चा होना तो लाजमी है और अच्छा लगता है। जी, शोभा कामत जी आपको नमस्ते नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ये एक और आयाम का, महुआ जी का नमस्कार थैंक यू आपको। महुआ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू तो आपके सफर से शुरू करते हैं जी। भाई साहब, कि आपका जो बचपन, क्योंकि माशाल्लाह
आप पहली जनरेशन में है जो म्यूजिक जिन्होंने जी सीखा, जी 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 चाहने वाले तो मतलब घर में बिल्कुल बहुत सभी, वालिद बिल्कुल साहब या मैं आंटी से भी मिला हूँ, उनसे भी जी मिला हूँ, जी मेरी जी बड़ी प्रेरणा बिल्कुल मिली। बिल्कुल तो बिल्कुल कैसे इस तरफ रुझान हुआ, थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में करते हुए फिर वो खास जी खास अच्छा मुद्दों पर आई। जी अच्छा जी अच्छा। तो मुराद भाई, ऐसा है कि जैसे आपने जिक्र किया कि मैं खानदानी म्यूजिशियंस के फैमिली से नहीं हूँ, तो मैं फर्स्ट जनरेशन म्यूजिशियन हूँ, और लेकिन इसलिए ये मैं कर पाया क्योंकि वालिदैन का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा और पूरे फैमिली का बहुत अच्छा लगा। मेरी बहनें, फिर शुभा, सभी, और आप सबकी मोहब्बत और दुआएं साथ रही, और माशा उम्मीद करता हूं कि आगे भी रहेंगे ऐसी। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल तो इस वजह से मैं ये थोड़ा बहुत कर पाया, ये यात्रा में शामिल हो सका इस तो यात्रा में। थोड़ा थोड़ा तो बहुत तो शुरुआत तो मेरी 6 साल का जब था, तो मुझे संगीत के ओर रुझान था और स्पेशली गाने की ओर था। तो मेरे वालिदैन के फैमिली फ्रेंड एक थे, तो उन्होंने कहा कि इसको कहीं म्यूजिक स्कूल में वगैरह भर्ती करवाइए, थोड़ा सा सीख पाए। तो इस वजह से उन्होंने मेरे गुरुजी पंडित निखिल घोष जी, तो उनके स्कूल में दाखिल किया और वहाँ पर शुरुआत हुई। और वैसे तो गाने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर सलाह दी कि तबले के क्लास में शुरू कीजिए, फिर गाने का आगे देखेंगे। आगे। तो लेकिन तबले की ओर मेरी दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि मैं उसी के साथ फिर रहने लगा, और बिल्कुल कुछ गाने के बंदिशें वगैरह सीखे वगैरह, लेकिन वो अलग बात है। खास तबले की तालीम ही हुई, और फिर म्यूजिक स्कूल के बाद तो गुरुजी के पास सीना बसीना तालीम हुई। मैं अभी और पूछने वाला था ये कि जी वो जी तालीम आपकी वो स्कूल में ही रही या गुरु नहीं, बिल्कुल शिष्य परंपरा बाकायदा से? गुरु बाकायदा गुरु शिष्य शिष्य परंपरा परंपरा के। से, जी, और गंडा बंधन हुआ, माशाल्लाह। और जी, तो बिल्कुल। और मेरे गंडा बंधन में मुझे अभी भी याद है, जैसे कल ही हुआ ऐसे, तो 1983 में हुआ, और उसमें जो गेस्ट कलाकार थे वो उस्ताद फैयाज अहमद खान साहब और उस्ताद नियाज अहमद खान वाह साहब। वाह 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 जी, वाह, और काफ़ी आर्टिस्ट आए थे, उस्ताद मोहम्मद अहमद खान साहब थे, उस्ताद रईस खान साहब थे, मोहम्मद अहमद सभी खान साहब वो सरंगी नवाज? नहीं, जो तबला नवाज जो थे, अच्छा 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 जी, बेगम अख्तर जी के साथ बजाए जी हैं, जी बिलाल उस्ताद बिलाल खान साहब गुलाम के साथ बजाए अच्छा 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 गुलाम अहमद खान साहब भी करते थे ना बेगम अख्तर जी के साथ संग? हैं। नहीं, मोहम्मद अहमद खान साहब तो मुझे मोहम्मद याद अहमद है। खान, जी, अच्छा गुलाम अहमद और खान साहब मेनन जी के साथ करते थे। जी, लेकिन और इतने ये यादगार होती है ना कि जब गंडा बंधन बिल्कुल हो रहा है और इतने बिल्कुल सारे कलाकार और उनके सामने थोड़ी हाजिरी भी देनी होती जी। तो शुरू तो उसी से हुआ, है। थोड़ा 20-25 मिनट मुझे बजाना था, और मजे की बात, हमारे राशिद भाई भी थे, राशिद मुस्तफा जी, अच्छा वो भी अच्छा थे। वाह हाँ वाह जी, वाह, तो मुझे वो अभी तक ताजा है, बिल्कुल मेमोरी वो। वो बहुत जी मेमोरेबल जी मोमेंट जी होता है फिर जब गंडा जी बंद हो। तो उसके बाद फिर तालीम तो जारी रही, और जब तक मेरे गुरुजी थे तब तक उनसे सीना बसीना तालीम माशाल्लाह चलती थी, और फिर माशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके फिर प्रोग्राम करने लगे,
पहले तो वो म्यूजिक स्कूल में कर रहे थे बच्चों, और हमारे जो हम उम्र थे उनके साथ करते थे, फिर आगे जो विजिटिंग कलाकार थे उनके साथ करने लगे। तो तो और कभी जैसे आपने बताया कि उसी स्कूल में भी काम करते रहे, फिर बाहर भी जी जाना शुरू किया, उस जमाने में किस तरह का स्ट्रगल होता था और आज के जमाने के स्ट्रगल में क्या डिफरेंस आपको लगता है? सही मायने में अगर मैं बताऊं मुराद भाई, तो हम और आप जो जिस स्ट्रगल से गुजरे, या तो आज जो लोग गुजर रहे हैं, जी हमारी हमारे पहले की जो पीढ़ी और उसके पहले की पीढ़ी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा स्ट्रगल जब किया होगा। उनके बारे में जो पढ़ते हैं सुनते हैं बुजुर्गों से वगैरह, जी, तब पता चलता है। तो हम लोग तो एकदम अच्छी तरह से रह हाँ रहे मतलब हैं, उस जमाने की क्योंकि और आज की फैसिलिटीज। बिल्कुल आप सोचिए कि ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, मतलब हाँ, जैसा अभी है, फैसिलिटीज हवाई जहाज में काफी घूम बढ़ रहे गई। हैं जी, तो वैसे फैसिलिटीज तो काफी बढ़ गई। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो होता ही है, तो हमें भी वैसे ही करना पड़ा। अभी उस समय एक जुनून था तो लगे रहे, और तो जैसे काफी चैलेंजेस होते हैं प्रोफेशनल, जैसे आप खुद ही उससे गुजरे हैं, तो चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हो या अपॉर्चुनिटीज की चैलेंज हो वगैरह, तो वो सब तो है। लेकिन एक बात जो शुरू जिस तरह से किया और जिस वजह से किया संगीत सीखने का, वो ये नहीं था कि मैं आगे चलकर कलाकार बनना चाहता हूँ। ये इसलिए किया क्योंकि संगीत में दिलचस्पी थी और सीखना चाहता था। तो अगर वाह, वो हम लोग बिल्कुल नजर में रखेंगे हमेशा, तो फिर कोई भी चैलेंज आपको इधर उधर नहीं भटकने नहीं कर, देता क्या है। बात है। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि अरे फिर ये महीने में इतने कार्यक्रम नहीं है, या उसको मिला और मुझे नहीं मिला वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिर रियाज से भी मन भटकने लगता है, तालीम से भी भटकती भटकने लगता है। है अभी कुछ तो कॉन्सर्ट तो है नहीं, तो अब क्या जरूरत है रियाज की, जब आएगा तो जी जी करेंगे। जी 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 आपके कुछ तो खास अजीज, ये देखिए अकरम भाई भी आपको सुन रहे हैं। अकरम भाई आदाब। माशाल्लाह, वेलकम, मोस्ट हैंडसम, कर्ली हेयर, एक्सलेंट डेवलपमेंट। अकरम भाई को मेरा भी आदाब। बहुत और शुक्रिया फिर अकरम भाई, हमारे इन्नी भाई भी नमस्कार आपको कह रहे हैं। नमस्ते इन्नी जी, नमस्ते। और ये आपकी आवाज के लिए कहा है, कभी क्या वॉइस जबरदस्त ओवर आवाज है अनिल जी की। कभी वॉइस ओवर भी किया किसी रिकॉर्डिंग में? नहीं, फिलहाल तो नहीं किया, और लेकिन आगे क्योंकि इन्हीं जी इन्हीं लोगों ने ले लेना मेरा फोटोग्राफ, अच्छा तो उनके लिए जरूर वॉइस ओवर करूंगा मैं। करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक एक सवाल मेरे ख्याल से है अनिश भाई, मैं आप ये जानना पढ़ेंगे चाहती हूँ। जी, मैं पढ़ता हूँ। जी। अनिश भाई, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या गुरुओं का गंडा बंधन सेरेमनी इस पर निर्भर करता है कि जो शागिर्द अच्छा होगा या गुरु की उम्मीदों पर खरा उतरेगा उसी को गंडा बंधा बांधा जाएगा, या शागिर्द या हर शागिर्द को गंडा बांधना बांधा जाता है जो अपने गुरु के पास तालीम देने आए? तो मैं आपको मेरे गुरुजी का मैं जो प्रिंसिपल था, उसूल था, वो बताता हूँ। उनका कहना था, और बल्कि उन्होंने उस गंडा बंधन सेरेमनी में बताया भी ऐसे, कि मेरा उसूल ये है कि फौरन गंडा बंधन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि शुरुआत में ही होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना
कहना ये है कि एक दूसरे को परखना चाहिए, और जब लगता है ऐसे कि नहीं आगे चलकर कुछ ये रिश्ता हो सकता है, पक्का हो सकता है, तब चल के। और उन्होंने कहा मैंने भी मेरे उस्तादों के साथ वैसे ही किया। अच्छा वाह, तो जी मतलब जिनसे उन्होंने तालीम ली उन जी बुजुर्गों ने भी वैसे ही घंटा बांधा उनको। जी 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 और उन्होंने तीन गुरुओं से, उस्तादों से तालीम ली, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी, जी जी उस्ताद जी आमिर हुसैन खां साहब, और उस्ताद बिल्कुल, अहमद जान त्रिपुरा वाह जी। वाह, तो तीनों से, तो तो तीनों जगहों का सबक माशाल्लाह उनके पास और उनके जरिए आपके पास वो चला आ रहा है। जी मेरा मेरे भी पास जो ये तो तो आपका बड़प्पन है। मेरा जो शुरू में कहने का मकसद था कि आपके फैमिली में आप पहले जनरेशन में हैं, जी उसका उसका ताल्लुक ये था कि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनकी फैमिली में पहली जनरेशन में गाना बजाना हुआ, लेकिन बेहद उम्दा और लाजवाब उन्होंने तालीमें ली और नाम भी किया उस्तादों का भी, और उनके जरिए घरों का भी, उनकी फैमिलीज का भी नाम हुआ। तो ये जी जरूरी नहीं है कि सिर्फ खानदानी ही लोगों का नाम होगा या खानदानी ही लोग नाम कर पाएंगे। वो जितना सीखने का या जितना तालीम लेने का या आगे बढ़ने की तरक्की का जो एक जुनून होता है इंसान में, वो कलाकार तो बाद में बनता है, वो जुनून पैदा हो कि उसको उतनी तालीम मिले, तो बिल्कुल नहीं, मेरे ये ख्याल कुछ से इसमें भी। कोई कलाकार बनने का कोई और सक्सेसफुल कलाकार बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जी लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो, एक तो तालीम है, तालीम के बिना तो नहीं हो सकता है, जी जी और रियाज है, और अपनी सोच है, आपने जो जी सीखा है उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करना, और फिर अपनी सोच से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी तो ये जब तक नहीं हो सकता, तब तक जी आप सक्सेसफुल कलाकार नहीं हो सकते। जी और रही बात जैसे गंडा बंधन का जिक्र हुआ, तो पुराने बुजुर्गों से ये एक रीत तो चली आ रही है कि भाई शागिर्द करेंगे लेकिन पहले गंडा बंधन होगा बाद में सिखाएंगे, और ये अपनी इंडिविजुअली एक सोच होती है कि भाई पहले शागिर्द को परख लें कि उसके अंदर वो गुण हैं आगे बढ़ने लायक या नहीं। बिल्कुल लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसा हो गया है कि परख भी लिया और अच्छी तालीम भी हो रही है, शागिर्द भी अच्छा है, लेकिन गंडा बंधन नहीं हो पा रहा है, नहीं, तो नहीं। और कुछ लोग। गुरु खुद ही उस रिवाज को नहीं आगे चलाते हैं। लेके आते हैं। हाँ जी जैसे अभी मैं इस मामले में शुभा से भी मैंने मेरी बात हुई, तो उनसे पता चला कि उनके गुरु गंडा बंधन नहीं करते थे, मतलब किसी नहीं करते, हाँ, तो ऐसा भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस वजह से तालीम रुक गई या नहीं हुई। देखिए ऐसा है कि तालीम जिसको देनी है वो देंगे, चाहे वो गंडा बंधन हो या नहीं हो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि गंडा बंधन करके भी तालीम नहीं देते, बिल्कुल सही बात है, सही बात। और कुछ हाँ शागिर्द भी ऐसे हैं जो शागिर्द भी है गंडा बंधन के बाद भी कहीं और जाते हैं। हाँ लग रहा है सही जैसे बात, दुकानों में टहल रहे हैं कि इस दुकान बट से रहा है। क्या हाँ मिलेगा, दुकान से क्या मिलेगा। दो रुपए का आप भी दे दो, 2 रुपए का आप भी दे जी दो, इन्हीं जी कुछ कह लेकिन रहे रहेगा हैं। जी। वेटिंग फॉर दोज मोमेंट्स अगेन टू फोटोग्राफ यू ऑन स्टेज अनीश जी, आई एम एक्चुअली सीरियस अबाउट द वॉइस, व्हाट एन अमेजिंग वॉइस। आप क्या आप गाते भी हैं? नहीं नहीं, मैं अनीश भाई बहुत अच्छे कंपोजर हैं और बहुत सारी रागों में बंदिशें भी बनाई हैं, कुमरिये भी कंपोज की हैं और गजलें भी कंपोज करी हैं, और इसका गवाह मैं हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने उनकी कंपोजिशंस बजाई हैं और बहुत ही मजेदार, और कुछ पुरानी बंदिशें, कुछ बंदिशें जो बनाई हैं उसमें पहचान नहीं सकते कि अनिश भाई की बंदिश है या पुरानी बंदिश है, तो वो मालूमात माशाल्लाह अनिश भाई को है रागों के बारे में, या कौन सी बंदिश किस राग में और किस किन सुरों पर जाती है, ये तो माशाल्लाह। मुझे याद है बॉम्बे में कोई सेमिनार था जहाँ पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने, आपकी नहीं कहा था, डॉक्टर अनिश प्रधान प्रधान इज परफेक्ट म्यूजिशियन, कंप्लीट म्यूजिशियन,
ये मैंने कहीं पढ़ा था। अरे मुराद मैं भाई तो हाँ जी जी जी, मैं हूँ ना तो शिव जी ने ये कोट किया था कि आपके बारे में कि ही इज कंप्लीट म्यूजिशियन। तो नहीं, ये लेकिन और वो मुराद भी भाई ना सही था। लेकिन ये जो बात है ना कंप्लीट म्यूजिशियन वाली, वो मेरे गुरुजी उस सोच के थे। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि आई डोंट वांट यू टू बी ओनली अ तबला प्लेयर, आई वांट यू टू बी अ कंप्लीट म्यूजिशियन। तो मेलेडी में, रागदारी में वगैरह भी कुछ समझ होनी चाहिए, स्वर ज्ञान वगैरह वाह वाह इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। वाह, तो वरना अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो चीज़ है उसी पर नज़र होता है और जी दूसरी ओर ध्यान नहीं होता है। और खासकर जब संगत करने लगते हैं तो अगर ये चीज़ नहीं हो तो फिर वो रूदारी वाली बात नहीं होती ना। नहीं आती। तो मैं जी बिल्कुल बिल्कुल मैं जी मानता हूँ और फिर संगत आप करता। जैसे सुरीले लोग जब उन आप आपके साथ जब आज अपॉर्चुनिटी तो मिलती है आपके साथ नहीं, और सुधीर जी के साथ वगैरह, तो फिर थोड़ा बहुत सुर का थोड़ा सा हम पर भी असर होने लगता है। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन अभी इस वक्त तो मेरा इंटरव्यू नहीं, आप ही का इंटरव्यू चल रहा है। तो मैं तो जो जेन्युइन चीज आपके लिए है मैंने वो बताई कि एज ए तबला प्लेयर तो माशाल्लाह मैं हमेशा लिखता हूँ कि वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। तो और वो भी सच है। और एज ए कंपोजर जो आपकी कंपोजिशन हमने बजाई हैं क्लासिकल में भी और कंटेम्प्रेरी कामों में भी, वो भी लाजवाब रही माशाल्लाह। और बहुत कम तबला नवाज हैं ऐसे कि जिनको इतनी नॉलेज तबले के अलावा है, रागों के बारे में, बंदिश के बारे में। नहीं, है बहुत मुराद भाई है, जो नहीं जो है सुरीले सुरीले तबली है ना उनके पास है। नहीं लेकिन लेकिन जो सुरीले नहीं है डॉक्टर साधना जी यहाँ पर हैं, वेरी इंटरेस्टिंग नमस्ते इंटरव्यू। साधना जी, नमस्ते नमस्ते। और मैं क्योंकि ये थोड़ा पढ़ता हुआ भी चल रहा हूँ, जी। ये कोई चीज रह न जाए। जी तो वापस उधर ही आते हैं कि जब आपका बाहर निकल के जो स्ट्रगल शुरू हुआ, तो सबसे पहले आप एज ए संगत कलाकार कौन सी शैली में आपने बजाना शुरू किया, गाने के साथ या इंस्ट्रूमेंट के साथ या डांस के साथ, या मतलब अलग अलग विधाएं हैं। तो पहले तो ज़्यादातर गाने और सितार वगैरह, ये जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है उसके साथ हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ा बहुत कथक के साथ भी करने लगा। लेकिन ज़्यादातर गाना और ख्याल ख्याल और ठुमरी दादरा इन चीज़ों पर, फिर एक आध कभी गजल वगैरह के साथ भी बजाया, भजन भजन संध्या में भी बजाया। तो अलग वाह अलग चीज़ें जी कि जी जैसे जी जी जैसे जैसे कोई एंगेज करते थे, इनवाइट करते थे बजाने के लिए, तो उस तरह से मैंने कोशिश की। और कोशिश यही रही कि हर जगह से कुछ सीखने को मिले। और अगर मुझे लगता था, ये मैंने शुरुआत से ही किया कि ऐसा नहीं कि जैसे आमतौर पे लोग सोचते हैं कि यहाँ से अगर मुझे फी मिल भी रही है तो प्रोफेशनल फी भी मिल रही है, तो अगर मुझे नहीं भी अच्छा लग रहा है तो मैं ये चीज़ करूँगा। लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। अगर मुझे वो सुर का मज़ा नहीं मिल रहा है वहाँ से तो नहीं, मिजाज नहीं बन रहा है वहां पर, तो फिर मैं वहां से हट जाता था। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी बार कलाकार सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज के लिए कुछ जगहों पे बजा लेते हैं, या नहीं भी दिल कर रहा है लेकिन काम करने के लिए
तो पैसा ये कमाने के लिए। ऐसा ऐसा नहीं मुराद भाई कि मुझे जरूरत नहीं थी इस चीज की, लेकिन उस समय जो जुनून था और एक जो सुरीलेपन का जो एक एहसास था और उसकी ओर बढ़ना चाहता था, तो उस वजह से मैंने हमेशा ये कोशिश की कि जिन लोगों के साथ उठना बैठना हो, गाना बजाना हो, सुरीले तो लोग वैसे 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 ही हो, क्योंकि इसमें उनसे मुझे सीख जी सकते हैं ना, उनसे उनके जी साथ मिलकर कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कश्यप जी हैं अहमदाबाद में, आप जरूर आप मिले होंगे, आपको नमस्ते इसी ने डॉक्टर स्पेशल दवे, कमेंट किया है, नमस्ते। वाकई सुरीले तबला बजे। तो थैंक यू थैंक यू। ये जो दौर आपका, मैंने मैंने तो आपको गजल के साथ भी सुना है और जी ठुमरी दादा के साथ भी सुना है, ख्याल के जी साथ भी सुना है, जी सितार के साथ भी। तो जी माशाल्लाह एज ए तबला प्लेयर, मैं अभी आज ही किसी से जिक्र कर रहा था सुबह कि सारंगी और तबला ये दोनों साज ऐसे हैं कि जब तक आप चौमुखा नहीं होंगे जी तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ जी एक ही चीज के लिए ये दोनों साज नहीं बने कि भाई बिल्कुल एक लिए सही, वादन बिल्कुल बजाना है। बिल्कुल सही। तो तबले के लिए और भी जैसे आपके जो साथ के जो कलाकार थे या आपसे जो सीनियर थे, कभी कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपके स्ट्रगलिंग दौर में उनसे कुछ सुनने को मिला हो, या सुनने को मतलब अच्छी चीजें जो आपने एडॉप्ट की हो, या आपसे जो जूनियर थे उनको कुछ आपने समझाया कि भाई इसको ऐसा नहीं, ऐसा कि ऐसा कर सकते हैं। नहीं, समझाने का काम तो मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि जब आप संगत कर रहे हो तो मैंने सोचा कि वो रोल मेरा संगत का ही है, जी तो और वैसे भी समझाने के लायक मैं नहीं हूँ, तो लेकिन सीखना मैंने जरूर पसंद किया और बहुतों से सीखा मैंने, मतलब जस्ट एक जैसे गुरुजी के पास जब था और तालीम ले रहा था तो अलग-अलग ताल सीखे वगैरह, लेकिन जो संगत में कैसे इस्तेमाल होता है जी जी वही चीज, वो तब लाजवाब। तक हाँ आपको पता नहीं चलता है जब तक आप गाने के साथ नहीं बजाएंगे। तो मान लीजिए तिलवाड़ा है या झुमरा है वगैरह वगैरह, ये जो ताल है, तो कुछ कुछ घरानों में उनका ज्यादा उपयोग होता है, सब जगह में नहीं होता है, जी तो जब तक आप उन गवैयों के साथ नहीं बजाएंगे तब तक उसे कैसे किस अंदाज से पेश करना है, उसकी लय कैसे रखनी है, उसका वजन जी कैसे रखना है, कितना उसमें चीजों को भरना है, उसको कितना खाली रखना है, और ये साथ साथ सब में वो चीजें जरबे भी मिलती रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अति विलंबित झुमरा अलग है, मध्य जो मध्य लय में जो झुमरा बजता अलग अलग जी बजता जी है, उसी तरह एक ताला है, तो कितने सारे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उससे जब तक आप वो उसका तजुर्बा नहीं उठाते तब तक नहीं समझ में आता है। नहीं, लेकिन वो जो जो तजुर्बे आपने ये लिए, वो स्पेशल खुशबू आपके वो बजाने में और संगत में भी, वो स्पेशल वाली खुशबू जिसका हम कभी कभी जिक्र करते हैं, वो आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद भाई, लेकिन और एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा भी कई बार होता है और सभी लोगों के साथ होता है कि जैसे कोई गवैये हैं या सितार वादक है, सरोद वादक है, तो वो सीधे आपको नहीं बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा बजाओ, हाँ सही बात लेकिन है। इशारे से समझना चाहिए हाँ, कि वो क्या तजुर्बे के बाद चाहते होगा हैं कि वो। क्या जी चाहते हैं और किस जी किस तरह की संगत चाहते हैं, जी तो साथ संगत। जैसे मेरी तालीम भी रही और मेरी अपनी एक सोच भी रही कि मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ रहकर उनसे उनकी बातें सुनना, सुनना तो उससे मुझे सीखने को काफी मिलता है।
तो मेरा वो एक स्वार्थ है एक्चुअली। नहीं, बहुत बहुत लाजवाब स्वार्थ है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शोभा गुट्टू जी के साथ पहली बार देखा था अहमदाबाद में 25-26 साल पहले, जिस तरह तबला मिलाया तभी इम्प्रेस कर गए थे। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर दवे, थैंक यू। तो तो तबला तबला मिलाने का आपको बताता हूँ, ये किस्सा भी बहुत अच्छा है। जी, तो मेरे उस्ताद कहा करते थे, तबला मिलाना भी जब आप प्रोग्राम कर रहे हो उसी दौरान, जब ठेके के चल बीच में रहा अगर मिलाना है तो वो है। कैसे मिलाना है, तो वो जर्ब जो है उसी के साथ मिलाना है, उससे अलग होकर नहीं। और अगर अलग हाँ, भी होना है तो लय ऐसी दिखाओ कि लगे कि भाई वो ठेका चल रहा है अभी भी। चल रहा है। वाह जी, वाह वाह, तो उस वो मूड खराब नहीं होना चाहिए, तो वो उसकी भी तालीम। तो एक बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत बातें जी हैं, जी लेकिन ये तालीम के दौरान ही पता चलता है, तालीम नहीं होगी तो नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये एक सवाल महुआ जी का है, कहने जी भाई, क्या आपने कभी डांस के साथ संगीत किया? जी बिल्कुल बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। जैसे मैं उमा जी के साथ काफी बजाता था, वो उमा डोगरा जी के साथ, एक कॉन्सर्ट तो आपने और मैंने दोनों ने बजाया है दिल्ली यहीं पर शायद ना, दिल्ली में। दिल्ली में। में, जी। जी। और वो नाम आप ही ने सजेस्ट किया था उनको कि भाई मुराद भाई के पास। अरे और बहुत बहुत उमदा प्रोग्राम सूरी हुआ ने था लोगों को उनका। कोई सजेस्ट नहीं करता है। आपका प्यार है तो आपका प्यार है। तो अनिश भाई, ये तो माशाल्लाह आपकी जर्नी, वो अभी वहां तक हम पहुंच रहे हैं क्योंकि बहुत काम आपने किया है क्लासिकल संगत के साथ साथ, और भी कंटेम्प्रेरी भी काफी किया है। और उसको अगर हम लेके आएंगे तो शायद वो टाइम कम पड़ जी 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 जाएगा। जी जी तो मैं आजकल के दौर में जो सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन, इस दौर में सभी कलाकार अपने अपने घरों में कुछ आराम फरमा है, कुछ रियाज कर रहे हैं, कुछ फेसबुक लाइव कर रहे हैं। तो और आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस खास तौर पर टेल मी अबाउट इट का पहले एक टाइटल दूसरा हमने बनाया था, जो अनिश भाई ने सजेस्ट किया था, जी वो पोस्ट कोविड-19 के बाद क्या होगा, उसकी ऐसी सोच थी। लेकिन कुछ कलाकार घबरा भी रहे थे, ऐसा ना हो कि कलाकारों को थोड़ा सा नेगेटिव डिप्रेशन आने लगे कि भाई पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे जो अपकमिंग कलाकार थे हैं या इस्टेब्लिश हैं, अब पोस्ट कोविड-19 क्या होगा, तो थोड़ा सा उसको चेंज किया। लेकिन मैं, क्योंकि ये आपकी और मेरी ही बात हुई थी, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब कुछ माहौल में क्या कुछ बेहतर हो सकता है या होगा या क्या होना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है, बेहतर तो जरूर हो सकता है। एक तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि स्ट्रगल वाली जो बात है ना, कि हर जेनरेशन में हुई है। तो अगर हम लोग इतिहास को देखें तो फिर हम जान जाते हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत स्ट्रगल किया, और बल्कि हमसे ज्यादा किया है, और उसके बावजूद उन्होंने कितना काम किया, और उनके काम की वजह से हम आज हैं इस फील्ड में। तो बिल्कुल बिल्कुल ये जब सबक हमको मिलता है, तो फिर उससे हमारी भी उम्मीद बढ़ती है कि आगे चलकर कुछ पॉजिटिव ही हो सकता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये जरूर है कि हम लोगों को एक साथ मिलकर अगर काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। नहीं अब होगा, क्या हो रहा बिल्कुल है बिल्कुल कि ये ठीक है कि लॉकडाउन के वजह से हम अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं भी था, जब हम एक दूसरे को मिल भी रहे थे, तो मिल रहे थे लेकिन मन नहीं मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो एग्जैक्टली जब तक मन नहीं मिलता तब तक हम लोग ये कोशिश ही नहीं कर सकते कि साथ में मिलकर कैसे आगे बढ़ा आगे जाए। बढ़ा। सिर्फ बिल्कुल एक तो गाना बजाना तो करना है साथ में मिलकर, जी वो तो है ही, और वो आते रहा है, लेकिन
गाने बजाने के अलावा हम लोग तो ये तो एमेच्योर नहीं है, प्रोफेशनल है। तो जब प्रोफेशनल हम लोग ये फील्ड में हैं तो हमको ये फील्ड के बारे में भी सोचना होगा, और जब फील्ड के बारे में सोचते हैं तो खुद के बारे में ही सोचेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग सबके तो लिए कोई बराबर सोचो। जी एक एक आइलैंड तो है नहीं कि समुद्र के बीच में अकेले खड़े हैं। बिल्कुल तो सही बात, अगर बिल्कुल सही। अगर गाना बजाना साथ में कर रहे हैं तो फिर दूसरी चीजें भी साथ में हो सकती है और होनी चाहिए, चाहिए। और तब अगर जाके किसी गाना तरीके बजाना भी में अच्छा होगा। अच्छा होगा और एक दूसरे वो के बारे, जीता है। अगर मैं मान लीजिए मुराद भाई के बारे में कुछ नहीं सोचता, अरे हो रहा है उनका, हो रहा है जो भी हो रहा है, हाँ अब प्रोग्राम कभी है आपका, हाँ फलाने तारीख को है, हाँ उधर मिलेंगे, चलो हाँ 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 क्या गाना बजाना, हाँ चलो नमस्ते बाय बाय आगे मिलेंगे। वाह तो वो वाह, रिश्ता नहीं है, वो रिलेशन नहीं, वो ट्रांजैक्शन है। तो सही बात, बिल्कुल सही बात, फर्क ट्रांजैक्शन और रिश्ते में फर्क है। बहुत फर्क। तो ये हम लोग एक कम्युनिटी है, तो अभी मतलब जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं बिरादरी, वो तो अलग है अब खानदानी म्यूजिशियंस के लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज जो खानदानी के अलावा भी लोग हैं तो हम एक म्यूजिक की बिरादरी के हैं, तो बिल्कुल सही, उस बिरादरी को नजर में रखकर हम लोगों को साथ में मिलकर काम करना है और जो बिल्कुल भी चैलेंजेस है उसका सामना करना है। तो ये कह कर के भाई अभी आगे हम लोगों को प्रोग्राम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फिर अगर मिलेंगे तो उसकी फी क्या मिलेगी वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये चैलेंजेस है, लेकिन जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये चैलेंजेस सबके हैं, बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरा ही चैलेंज है वो, और फिर मैं अपना ही सोचूंगा कि मेरा प्रोग्राम कहाँ कहाँ हो सकता है, तो हाँ, बड़ा सही बात, मुश्किल है। सही तो इसलिए बात, हमने शुभा और मैंने और आप भी उसमें शामिल हुए, रजामंद हुए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, महुआ जी का, आपने सभी आपने और का। शुभ जी ने हमें इस काबिल समझा कि उसमें हमें शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं मैं नहीं हमेशा नहीं हमेशा आप लोगों को शामिल रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं ये गिफ्ट कॉन्सर्ट जो है www.giftaconcert.com, ये जो शुरू किया वो इसलिए शुरू किया कि हर कलाकार के लिए सुनने वाले होते हैं, हर कलाकार के लिए सुनने ठीक वाले है, देखने वाले होते हैं। बिल्कुल तो क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि जिस पर आर्टिस्ट रजिस्टर करे और अगर कोई सुनना चाहता है इन दिनों में, ऑनलाइन सुनना चाहता है, तो वो हमसे बातचीत कर कर ये कहे कि भाई हमको मुराद भाई की सारंगी बड़ी अच्छी लगती है, हमको उनका प्रोग्राम सुनना है, क्या हो सकता है, क्योंकि आपसे उनका रिलेशन शायद नहीं होगा डायरेक्ट। तो बिल्कुल 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 हमने सोचा कि ऐसा प्लेटफॉर्म कुछ किया जाए और एक्सक्लूसिव ऑडियंस के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने ये भी सोचा कि हर एक दो महीनों में हम पब्लिक टिकेटेड ऑनलाइन कॉन्सर्ट भी करेंगे। तो उसका पहला जो एक कॉन्सर्ट हो रहा है वो July 25, 26, जिसमें शाश्वती मंडल जी और अर्णब चक्रवर्ती जी, जी, उनका वादन होगा, गाना और सरोद वादन होगा जी। तो इस अवसर का मैं ये अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ कि भाई आप सब उसमें शामिल हो। आप जरूर तीन जरूर टाइम स्लॉट है, 25 तारीख जरूर, को 7 बजे और 25 तारीख को 10 बजे और 26 तारीख को 2 बजे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये तीन टाइम जोन के हिसाब से हमने किया कि बाहर बहुत के भी लाजवाब, लोग इसको देख सके। बहुत ही लाजवाब ये इनिशिएटिव है अनिश भाई आपका और शुभा जी का। और मैं हमेशा, आप पढ़ते होंगे कि मैं लिखता भी हूँ, और उसको लिखने में मुझे आप यकीन माने कि फख्र होता है कि मैं आपके लिए, शुभ जी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ये आप दोनों ही सोच सकते हैं। और कुछ नहीं, कलाकार आपकी होंगे मोहब्बत ज़रूर, है और आपकी दुआएं हैं जब और आपका साथ है। ये आप ये तो अल्लाह मेरे साथ बनाए रखे, और भी बहुत सारे कलाकार होंगे जो अपने अपने ढंग से, अपने अपने बिल्कुल तरीके बिल्कुल से हेल्प ज़रूर करते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल लेकिन बिना किसी का मतभेद हो करते हुए कि एक ऐसी चीज बनाना, गिफ्ट कॉन्सर्ट जैसा प्लेटफॉर्म,
वो सभी कलाकारों के लिए, उसमें ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ ख्याल वाले ही आएंगे या सिर्फ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ही होंगे या फोक आर्टिस्ट नहीं होंगे, तो सभी वो सभी इतना रॉक बैंड्स वगैरह सब सब, क्योंकि आपको चलिए पता है कि अब अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स की ओर से हमने बाजा गाजा भी किया 4 साल, जी जी तो जी उसमें वाह भी वाह डाइवर्सिटी की बात हो रही थी। जी। अच्छा, तो इसमें हम थिएटर भी होगा, गिप्टा कॉन्सर्ट में? सब सब परफॉर्मर, हर परफॉर्मेंस को प्लेटफॉर्म है वो। क्योंकि मुझसे मैंने कहीं जिक्र करा था तो थिएटर के बारे में पूछा गया, तो मैंने कहा मैं एक बार कंफर्म करूंगा। तो बिल्कुल, यहाँ उसका नाम जितने भी गिफ्ट कलाकार कॉन्सर्ट है, लेकिन जी मैं सोचता हूँ हम लोगों की सोच ये है कि कॉन्सर्ट में हर टाइप का परफॉर्मेंस हो। टाइप कोर्स, बहुत अच्छी जी बात। जी तो यहाँ जी जितने भी कलाकार अभी ये बातचीत सुन रहे हैं, उनको ये जानकारी मिली कि आपके जरिए से कि भाई गिफ्ट कॉन्सर्ट है क्या और वो उसका पर्पस क्या है? कि जी जी आजकल क्या हो रहा है कि फेसबुक, मैंने भी किया है फेसबुक लाइव, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने मना करना शुरू किया कलाकारों को, तो क्योंकि कलाकार कलाकार के लिए जी क्या जी वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो दे सकते हैं कलाकारों को, और खासकर ऐसे सिचुएशन में कि 4-5 महीने से कलाकार घर पे बैठे, जिन्होंने ठीक ठाक सेविंग कर रखी, चलिए वो किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन वो सेविंग भी कब तक बिल्कुल खर्च सही, करते बिल्कुल करते सही, तो खजाने खाली बिल्कुल सही। हो जाते हैं, और नहीं, इसी वजह कलाकार से का जो ये जो 25 और 26 तारीख को जो जो मैंने जी जिक्र किया, जी शाश्वती जी जी और अर्नब जी का, अर्नब वो भाई का टिकट टिकटेड टिकटेड कॉन्सर्ट है। बहुत बहुत बढ़िया, आपको बहुत टिकट बढ़िया लेना होगा जी। अटेंड करने के लिए, मतलब वो देखने के लिए, क्योंकि हमें अच्छा लगा वो कि ये सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए, जी, क्योंकि कहाँ तक फ्री करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। और ये जैसे ये तो बहुत ही अच्छा शुरुआत की है गिफ्ट कॉन्सर्ट में, आपने पहली अन्ना भाई का और शाश्वती जी का रखकर, और और धीरे मल्हार धीरे मल्हार ऐसे रागों पर होगा। मल्हार रागों पर होगा और अच्छी अच्छी चीजें भी सुनने को जी मिलेंगी। जी 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 तो इसमें कुछ ऐसा भी आपने लेवल रखा है कि ये जैसे मैंने अपकमिंग और स्टैब्लिश और लेजेंड्स, ये कैटेगरी भी रखी है या सिर्फ स्टैब्लिश के लिए या सभी को नहीं होता है। सभी को भी कह दिया? मुझे 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 पता चला था कि आप और शुभा जी भी उसमें बिल्कुल रजिस्टर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी सभी लोगों के लिए है, और बहुत अच्छी बात। कुछ मेरे विद्यार्थी भी हैं, हाँ जी, तो मैंने देखा, मैंने साइट बिल्कुल देखी, मैंने कुछ बिल्कुल अपने खुद खास अजीजों को भी बोला है कि भाई वो देर ना करें, जितनी जल्दी हो सके उसको जी। रजिस्टर मेरा करना चाहिए, आज नहीं नाम तो अभी कल तक, करना चाहिए। हम लोगों का नाम अभी तक इसलिए नहीं है उसमें, क्योंकि हम लोग अभी वो ऐप के साथ रियाज कर रहे हैं। जब तक रियाज नहीं होगा तब तक ठीक नहीं बजेगा, तो इसलिए अभी ये रजिस्टर नहीं किया जो वाकई, लेकिन हम लोग भी करेंगे। नहीं, मैंने मुझे मुझे शायद शायद पूजा जी ने कहा था या किसी ने कहा था कि आप भी कर रहे, बिल्कुल तो मैंने कहा तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, ये महुआ जी की तरफ से बहुत थॉटफुल इनिशिएटिव थैंक बाय यू महुआ जी, लिंक बाय एंड थैंक यू स्टेडियम, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। और डॉक्टर साहब का है इंडीड वेल थॉट इनिशिएटिव, क्राइसिस टू बी कन्वर्टेड इन टू अपॉर्चुनिटी, थैंक कोविड यू ने डॉक्टर साहब, वाकई सभी आर्टिस्टों को नजदीक लाने का काम किया है। हाँ बेशक, यही तो अभी अनिश भाई आप कह रहे थे कि वो जो कलाकारों की नजदीकी जो है ना, वो बहुत जरूरी, यूनिटी बहुत जरूरी है। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर यूनिटी हो तो बड़े से बड़े पेंडेमिक को आदमी झेल लेता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फतेह भाई का भी आदाब आपके लिए आया है आदाब फतेह भाई, जी आपको मैं अभी जी बीच में गए गए हफ्ते मैं एक छोटा सा एक एपिसोड ये सीरीज करता हूँ, अ मिनट फॉर जी म्यूजिक। मैंने सुना, बहुत लाजवाब, तो बहुत उसमें बढ़िया। लास्ट वीक मैंने एक किया जिसमें यूनिटी की बात हुई, तो मैंने कहा आजकल यूनिटी मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन जो जो एक यूनिटी जिसके बारे में मैंने पढ़ा और सुना कि 1950s में रेडियो के ऑडिशन के बारे में जो हुआ था, और 1952 में सितंबर में 400 आर्टिस्टों का ऑडिशन था बम्बई में, ओहो, बम्बई में, बम्बई और देश भर
पूरे देश में वो आकाशवाणी का ऑडिशन, जैसे अभी होता है ऑडिशन वैसे, जी लेकिन उस वक्त वो पर्दा नहीं था। और अच्छा, सामने हाँ, बैठते थे। और जी, और फिर सवालात ऐसे होते थे जिससे थोड़ा सा आर्टिस्टों को लगा कि हमारी थोड़ा हमारे हमारे सम्मान को थोड़ा सा ठेस पहुंच रहा है, हमारे घराने को ठेस पहुंच रहा है, तो उन्होंने हड़ताल किया। और वो अच्छा हड़ताल जी, और बम्बई रेडियो स्टेशन और दूसरे रेडियो स्टेशन के बाहर हड़ताल हुए, जैसे मजदूरों का वगैरह फैक्ट्री के बाहर हड़ताल होती है, अच्छा वैसे बाकायदा पिकेटिंग हुआ। और फिर जाके 1955 में दोनों आकाशवाणी के साथ वो एग्रीमेंट हुआ, और अभी जो हम लोग ऑडिशन देखते हैं जैसे, वो तब से शुरू हुआ। तब से शुरू हुआ। अच्छा, इस जी मतलब इसके पीछे ये सारा कहानी बिल्कुल। तो अगर छुपी वो हुई उन है। लोगों ने नहीं किया होता तो हम लोग नहीं कर सकते। जी जी नहीं जी कर खैर, सकते। उस जमाने के बुजुर्गों ने काफी कुछ ऐसी चीजें की हैं जो आज हम सभी लोग उसका बेनिफिट उठा उठा रहे हैं। बल्कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, भारतीय संगीत कलाकार मंडल। अच्छा, और वो जी सिर्फ सिर्फ संगीतकारों के लिए था या किसी और आर्ट फॉर्म के लिए भी? म्यूजिशियन म्यूजिशियन के लिए था, क्योंकि वो म्यूजिशियन ऑडिशन वो म्यूजिशियंस के लिए और था। इंडियन एजुकेशन के लिए, उसके प्रेसिडेंट उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब थे, आगरे वाले। जी आगरा ग्राम। मुझे मुझे जी एक किस्सा याद आया, मैं चाहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूं। वो जो अभी कुछ देर पहले गंडा बन का जिक्र चला था, फैयाज खान साहब की बात बताई थी उस्ताद, फैयाज खान साहब की या विलायत हुसैन खान साहब की। वो जो आपने कहा था यूट्यूब पे उन्होंने तकरीबन कितने उस्तादों से सीखा और सबके उन्होंने जी, जिक्र उनके किया। नाम उन्होंने दिए हैं उनकी किताब में, जी जी संगीतज्ञों के संस्मरण। उन्होंने कहा कि 42 फोर्टी वन बयालीस या 42 उस्तादों से, और बाकायदा उन्होंने कहा है कि इनसे मैंने ये राग सीखा, इनसे मैंने ये बंदिश सीखी, सबके बताइए। नाम दिए। अच्छा, उस जमाने के जो उस्ताद लोग थे, गुरु लोग थे, वो अगर किसी और से सीख रहे हैं तो बुरा नहीं मानते थे, क्या जी, मानते मतलब थे? कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे। हाँ, लेकिन 42 उस्ताद, जी आप जी सोचिए कि एक तो अगर आप सिर्फ एक बंदिश भी सोचें तो 42 बंदिश तो वैसे ही आ गई, या बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल राग सही आ जी। गए। नहीं, और उससे बड़ी बात है कि कितनी सच्चाई है, ओ बिल्कुल, कि उनके नाम, ईमानदारी उनके नाम बना दिया। जी जी है। जी जी, आपको हमारे आलोक भाई नमस्ते आलोक जी, नमस्ते। देखिए कितने लोग आपको माशाल्लाह यहाँ सुन रहे हैं। तो यंग कलाकार भी हैं, एस्टेब्लिश भी हैं, यहाँ इस वक्त सभी लोग मौजूद हैं जो आपको सुन रहे हैं। तो मैं कुछ आपसे जैसे कुछ सवाल अब धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ अच्छा कि खासकर एस्टेब्लिश कलाकारों के लिए और अपकमिंग के लिए, कि अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है ठीक। जी, तो जैसे लॉबीज हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अपने कुछ खास कलाकार हैं और उनके अलावा वो कभी किसी को और वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है कि उनको सही जगह पहुंचाया जाए। तो इसके लिए आपका कुछ कुछ ऐसी रोशनी, क्या होना चाहिए ऐसा है कलाकारों को मुराद भी भाई, समझाने के लिए? ये पहली मर्तबा ऐसे हो रहा है कि जी। हम लोग पब्लिकली इसके बारे में बात करते हैं, वरना तो बंद कमरे में बहुत जरूर, लोग हाँ बात करते हैं। हाँ जी, तो जब तक ये बात बाहर नहीं हम लोग करेंगे जी, और उन लोगों को सीधे सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हो रहा है? तब तक नहीं। अब जैसे कि जो बंद लॉबी लॉबी कमरे सिस्टम। में, जी, लॉबी सिस्टम, तो मैं कह रहा हूं कि बंद कमरे में आप बेशक करिए, लेकिन बाहर आके भी तो उनको पूछिए ना कि भाई ऐसे क्यों हो सही, रहा है। वो तब नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो खुद का सोच रहे हैं कि भाई मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा ही प्रोग्राम जाएगा, दूसरों सही का छोड़ दो, बात, मेरा ही प्रोग्राम जाएगा। मेरे बोल जाएगा, कहीं मेरी तो बात किसी को नागवार ना गुजरे। जी, तो इस वजह से जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग अगर एक दूसरे को एक कम्युनिटी के तौर पर नहीं देखेंगे, तब तक नहीं हो सकता है।
कितना भी हम लोग बेशक आप हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे वगैरह, लेकिन वो सिर्फ आपस में चर्चा करने से कोई मतलब नहीं बनता है कोई बता वो। नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं अनिल भाई के जिनके मुंह से तारीफ निकलना बड़ा मुश्किल है। जी ये अगर मैंने तारीफ कर दी, ऐसा ना हो कि इसको कॉन्सर्ट मिल गया, कोई बड़ा फेस्टिवल जी मिल गया, जी तो किसकी ये भी तारीफ बड़ा, ने, मैं समझा नहीं। एक कलाकार दूसरे कलाकार की तारीफ भी बड़ी मुश्किल से करता है। अच्छा, खासकर खासकर अगर कोई बड़े कलाकार हैं तो तारीफ कुछ कैसे करेंगे, कलाकारों वो की सुनते ही नहीं है ना, जो तारीफ नहीं करते हैं वो तो सुनते ही नहीं सुनेंगे तब तो तारीफ तब तारीफ करेंगे। करेंगे जी, एग्जैक्टली। मेरे कुछ सवाल इधर ऊपर आए थे आपके लिए, क्योंकि जी। यहाँ सवाल जवाब, मैं अभी एक खास गेस्ट को इनवाइट करना चाहता हूँ अच्छा आपके लिए, सरप्राइज सरप्राइज गेस्ट। तो जी, मैं जरा उनको, वो हमारा ये सेशन देख रहे हैं और उनको अच्छा मैं एक, जी, मैं आपको बराबर नजर आ रहा हूँ। बिल्कुल जी, तो ये जो जिक्र हुआ कि यूनिटी जी कलाकारों की, और फिर कलाकारों के साथ साथ घरानों की, कि जी ये उस घराने का है तो इसकी तारीफ नहीं होगी, तो उस घराने का है उसकी तारीफ नहीं होगी, इनके लिए जरा कुछ ऐसी बातें आप, जो हम आपस में वैसे करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि भाई बंद कमरे में कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आज पब्लिकली कुछ ऐसी बातें हों कि जो लोगों को समझ में आए कि, तो ऐसा है ना मुराद भाई, जी कि मुझे गुलदस्ते से प्यार है। तो हाँ गुलदस्ते सही बात, में तो हर फूल की खुशबू होती है, खुशबू है हर जी, हर फूल का एक रंग होता है, अपना रंग होता है। तो हर घराने का अपना रंग है, खुशबू है। तो अगर वो उसको साथ में मिलकर उसका आनंद उठाए तो और मजा आएगा। एक ही बिल्कुल घराने को लेकर बैठेंगे तो नहीं होगा। नहीं हो तो पाएगा। जी, एग्जैक्टली तो इस वजह से मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे ये आपने अच्छा सुधीर सरप्राइज एकदम से आया मुझे। सुधीर भाई, जी आनंद है, आदाब और आपका मुराद बहुत भाई, बहुत 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 स्वागत। शुक्रिया। वाह वाह, थैंक यू शुक्रिया यहाँ पे न्योता देने के लिए। और ऐसा आपका सुरीला संभाषण चल रहा है कि मतलब संगीत में तो संभाषण बहुत बार सुना है, लेकिन गुफ्तगू भी जो चल रही है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सबक उससे भी मिल रहा है। आप आप हमें, हमें, आपकी कमियां महसूस हो रही थी तो जी अच्छा आप हमें सबको सुनने लगा करने के लिए आपकी जरूरत पड़ती है, तो हमने बहुत कहा बहुत कि आपको कैसे शुक्रिया जोड़ा जाए, भी आपका तो होना बहुत जरूरी है। और हमने इस साथ में पैंडमिक, मिलकर भी कितना बजाया है तो जी, बहुत अच्छा और लगा। अनीश भाई के बारे में बात करना है तो कहाँ से शुरू करें, ऐसा होता है मुझे, अगर किसी को अनीश भाई की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करनी हो तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अलग अलग रोल में उनको देखते हैं, और मैं भी मैं उनको हमेशा फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड तो समझता हूँ, जी और जी जी बहुत सीखते रहता हूँ उनसे तो। और हमारी मित्रता तो बहुत सालों की है दोस्ती, फिर भी सही जो उनसे सीखते रहता हूँ वो बहुत मतलब उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, कि चाहे वो मुराद भाई समुद्र। जी सुधीर के साथ पहली मर्तबा कब मिला पता है आपको? बताएं बताएं। बहुत मजेदार किस्सा है सुधीर, बताना। वो जो एक ऐसे ही मिले थे वो अलग बात है, लेकिन वो वाला बताना जो इस्कॉन वाला। ओ हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया किस्सा है। एक्चुअली भीमसेन जी और जसराज जी का गाना था अच्छा इस्कॉन में, ये गोकुल अष्टमी के समय में होता है वहाँ पे, उसमें था, और मेरे गुरुजी पंडित तुलसीदास बोरकर जी भीमसेन जी के साथ बजा रहे थे, और ऐसे हुआ कि
भरत कामत हेमचंद जी के साथ बजाने वाला था तबले पे, और संग करने वाले थे, और अजय जोगड़ेकर जी जसराज जी के साथ हारमोनियम पे संगत करने वाले थे, और मेरे ख्याल में बड़ौदा या कहीं से वो आने वाले थे, और वहाँ पे एक दुर्घटना हुई जिसके वजह से उनकी गाड़ी जो है वो डिले हो गई। अच्छा तो भीमसेन ने पूछा अभी भरत तो नहीं आ पाएगा, तो किनको यहाँ बुलाएं तबला की संगत के लिए? तो गुरु जी ने कहा एक ही नाम मैं यहाँ पे सुझा सकता हूँ, और वो है अनीश प्रधान जी, आपको पसंद आएगा मुझे वाह, जरूर, मतलब इस पे पूरा यकीन है। तो फिर ऐसे हुआ कि गुरु जी ने मुझे कहा, और तभी का वो फोन होता है जो हम लोग कौन एक बोला एक रुपए के कॉइन्स पे करते हैं, तो था? मेरे पास एक डिब्बी होती थी हमेशा 1 रुपए के कॉइन्स की, और उससे मैंने अनीश का फोन नंबर लगाया, और मेरी वैसे पहचान वैसे नहीं थी, हालांकि हम लोग मिले थे तब, लेकिन ऐसे जो रूबरू बातें करना या ऐसा कुछ सिलसिला बना नहीं था। तो मैंने कहा कि आप अनिश जी हैं, तो ऐसा ऐसा है, आप तुरंत इसको आ सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला क्यों क्या है? बोले गुरु जी ने, बोरकर गुरु जी ने याद किया है भीमसेन जी के साथ आप तबला बजाएंगे क्या? तो वो बोले मेरे रियाज का वक्त है, और मेरे पास पितले जी आए हैं जो नगमा यहाँ पे मेरे साथ बजाते हैं, तो मुझे 2 मिनट अच्छा देना। और फिर वाह, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल गेट के बाहर रुकूंगा, और जैसे ही वो तबला की अब अपनी फाइबर केस लेके आए, तो मैंने कहा मैं ये ले लेता हूँ, आप चलिए आगे, क्योंकि बहुत कम समय है, तो उनके लिए इंतजार कर रहे थे आधा रिक्शा घंटा, हालांकि वहां पे रिक्शा भी सिर्फ जाना पड़ा। हाँ रिक्शा रिक्शा में आना पड़ा, और आपको पता है कि वो लेन जो है वो बहुत ही भीड़ रहती है वहां पे गोकुलाष्टमी के दिन, तो वैसे ओ माहौल में अनिल भाई का वहाँ पे मतलब पहली बार भीमसेन जी के साथ उन्होंने बजाया, और भीमसेन माशाल्लाह जी बहुत माशाल्लाह, खुश हुए, और और मुझे तभी याद है पहली बार कि मेरी सुधीर जी से मुलाकात मैंने अच्छी मुलाकात तरह हुई है से अच्छी तरह हुई है। अच्छी तरह से और हुई है। इसको और कितने बाद में कितने कितने साल हो गए? मेरे ख्याल में ये था 95 या 96 ना, मेरे जी ख्याल जी में जी नाइन्टी फोर माशाल्लाह, नहीं नहीं 94 था, मैं याद है 94 में हुआ था। 21-22 साल हो गए माशाल्लाह। जी, उसके बाद तो नहीं नहीं हम लोग पच्चीस काफी पच्चीस कॉन्सर्ट छब्बीस साल हो बजाने, जी। हाँ बिल्कुल पता ही नहीं चले मतलब। माशाल्लाह, आपके लिए एक सवाल आया था अनीश भाई, देयर जी इज अ फेवरेटिज्म आप पढ़िए। अमंग ऑर्गेनाइजर जो सिर्फ अपने फेवरेट आर्टिस्ट को ही बार बार चांस देते जी जी तो तो ऐसे उसका ऐसे उसका तो मैंने पहले भी जिक्र किया, ऐसे बिल्कुल होता है। लेकिन क्या है, मैंने पहले भी कहा मुराद भाई के, हर आर्टिस्ट के अपनी एक ऑडियंस होती है। तो चाहे कोई फेवरेटिज्म करे भी तो उनको करने दीजिए। हाँ, हम लोगों को अपना काम करना है, और जी किसी दिन जब वो बुलाएंगे ना तो हाँ उनके हाँ लिए मत जाइए। सही बात है, इतना 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 भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं बुलाया तो फिर मैं भी नहीं जाऊं। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है मुराद भाई, शुरू में सब लोग इसके बारे में चूं चूं करते हैं कि भाई मैंने, मुझे नहीं बुलाया, मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन सामने से जब बुलावा आता है तो दौड़ के जाते हैं। हाँ, और तो बहुत ऐसा कम नहीं पैसे होना में होने चाहिए, चाहिए। या तो ऐसा हाँ हो या तो वैसा हो। वैसा हो, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और इसके अपने सुधीर भाई से मैं कहूँगा कि कुछ खास खास चीज़ें उनको जो मुझे भी नहीं पता हूँ आपकी, वो कुछ सवाल करें। आसान सवाल करना सवाल भाई। सवाल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहाँ से, जैसे मैंने कहा कि इतनी सब चीजें हैं जिसमें अनीश भाई काम करते हैं, मतलब उनकी संगत हो या फिर उनकी उनका वर्तन हो, उनका मतलब जैसे संगत के समय जिस तरह से वो सुनते हैं, गाना बजाना सुनते हैं, वो नमस्ते अपने आप कालीनाथ में जी। एक सबक है। तो बहुत अच्छी तरह से कैसे गाना बजाना मतलब परखा जाता है, या सुना कैसे सुनते हैं, ये भी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो
उसके अलावा उनका जो अनुशासन है, जिस तरह से वो हर एक चीज करते हैं या जिस तरह से लिखते हैं, जिस तरह से अंडरस्कोर रिकॉर्ड हो, बाजा गजा हो, मतलब ऐसे हाँ फेस्टिवल्स या इन चीजों को चलाना, या हर एक विधा को किस तरह देखना या परखना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो हम लोग सीखते आए हैं। तो मैंने तो बहुत, या तो मैं कहूंगा कि अपने साज की तरफ उसके उसको प्रेम कैसे करना, या अपने बुजुर्गों को जिन्होंने बात बातें सिखाई है उनकी तरफ जो श्रद्धा और ईमानदारी रखना, मतलब ये सभी बातें, ये सभी गुण अनिश जी में बहुत हैं। और मैं ये आप भी ऐसे ही करते हो, मुझे मालूम है ये तारीफ की बात नहीं है, ये सच कहता हूँ मैं, मतलब ईमानदारी से कहता हूँ, और ये सचमुच सबने लेने जैसी बात है। और मेरे ख्याल में इसी को सवाल क्या करें, मतलब बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं, अच्छा एक जरूर कहूंगा, क्योंकि इसमें यहाँ बहुत लोग आए हैं, तो जो अनीस जी ने कलाकारों के बारे में सोचा है या फ्रेटर्निटी के बारे में सोचा है, चाहे वो कॉपीराइट हो, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, या फिर इंश्योरेंस के बारे में, मतलब शुभा जी भी उसमें, शुभा जी और अनीश जी दोनों ने साथ में जिस तरह से सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। तो जी जी क्योंकि इसी के सिलसिले में ये सवाल हो रहे हैं, तो मैं ये हाँ हाँ पूछना जरूर चाहूंगा कि इस कलाकार के बारे में सोचना जो है, ये मेरे ख्याल में अभी तो जैसे बात हो रही थी कि एक दूसरे के बारे में सोचना बहुत कम होता है। जब हम मिलते हैं हाय बाय करते हैं, लेकिन जब आते हैं तो अपने ही आइसोलेशन में हम लोग रहते हैं, और हम लोग कहते तो जरूर हैं कि सब लोगों ने मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए कदम लेना, जैसे इस पैंडमिक के समय जो इन्होंने किया शुभा जी और अनीश जी ने, कि कलाकारों के सिर्फ फंड रेजिंग नहीं, मतलब मेरे ख्याल में एक पैंडमिक, ये लॉकडाउन शुरू हुआ और 3-4 दिनों में ही उन्होंने जो भी करना है, और वो भी इतने सिस्टमेटिकली किया है, और उसका डिसबर्समेंट भी हो गया। मतलब ये जो है, सिर्फ बातें कहना बहुत लोग करते हैं, लेकिन जी उसको जी साध्य करना और उस तरह से करना, उस तरह से सोचना, ये मुझे, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी उपलब्धि है अनिश जी और शुभा जी में। और इसके बारे में अगर अनिश जी थोड़ा सा, अगर आप थोड़ी रोशनी डाल सकें बहुत अच्छा होगा। मतलब हालांकि ये सब डिस्कस हुआ है, लेकिन इसमें आपको कोई और पर्सपेक्टिव हो तो जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से एक तो जो हम लोगों को घर का जो माहौल है, हमारे पेरेंट्स का, सुबह के भी और मेरे भी, तो इस वजह से हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि एज ए कम्युनिटी सोचना है हम लोगों को। तो जैसे मेरे माता पिता ट्रेड यूनियन मूवमेंट में थे, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर भी थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में थे, जेल गए थे वगैरह वगैरह, पत्रकार थे, तो एक पब्लिक लाइफ उनका रहा। तो इस वजह से वो हमेशा ये सोचते आ रहे थे कि भाई साथ में मिलकर जब तक नहीं काम करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो शायद उसका असर हम लोगों पर जरूर पड़ा है। और फिर रही, आप सब जब साथ में जुड़ते हो, आपकी राय देते हो, आपके सोच विचार जो है वो हमारे साथ जब शेयर करते हो, तो और भी ताकत मिलती है और साथ में चल सकते हैं हम लोग। इतना इतना नेक काम आपने और शुभा जी ने इस दौर में किया है कि वो बहुत सराहनीय है। जैसे और मान उसके लीजिए बाद अभी जो मुराद भाई, सॉरी आप आपकी बात में काट रहा हूँ, लेकिन सुधीर जी ने जो जिक्र किया वो अदा के बारे में, असिस्टेंस फॉर डिजास्टर अफेक्टेड आर्टिस्ट, तो वो हम लोगों ने इनिशिएटिव शुरू कैसे किया, क्योंकि और 4 लोग भी हमारे साथ थे, राहुल वोरा जी, मोना ईरानी, अरुंधति घोष, समीरा एंकर, ये जो कल्चरल प्रैक्टिशनर्स वगैरह थे, तो हम लोग 6 मिलकर, और फिर इंडियन राइटर्स फोरम ट्रस्ट मिला जो हमारे साथ पार्टनर हो गए। तो इसके वजह से ऑलमोस्ट 43 लाख हम लोग कलेक्ट कर सके, पहुंचा और 132 फैमिलीज को पहुंचा भी दिया वो। भी, वाह वाह, और सिर्फ क्लासिकल वाले नहीं, फोक फॉर्म्स वाले सब सब, मतलब और 10 स्टेट्स में वो गया। लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ कि शुभा और मैंने किया, वो
सब साथ में मिलकर काम कर रहे थे। जी लेकिन आपका या शुभा जी का जो नाम मैं लेता हूँ, या राहुल भाई हैं, या वो कदम तो आगे बढ़ाएं कलाकार लोग, अभी इतना सिर्फ सोचने में, जैसे अभी सुधीर भाई भी कह रहे थे कि बातें ज्यादा होती हैं और काम कम होता है, तो वो मैं मतलब किसी किसी को भी ऐसे को नहीं कह रहा कि जो कोई खास को मैं अपॉइंट कर रहा हूँ किसी को, लेकिन जैसे खासकर इस दौर में जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें बहुत ही कलाकार लोग, चाहे वो फोक के हों, चाहे वो किसी भी फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, चाहे वो क्लासिकल की, चाहे बहुत सारे लोग परेशान हैं उनके बारे बिल्कुल में। मैं कभी कभी सुनता रहता हूँ कि कुछ कलाकारों ने डोनेशन दिया, कुछ कलाकारों ने डोनेशन दिया, लेकिन वो डोनेशन गया कहाँ कुछ पता नहीं। लेकिन उस सिचुएशन में शुभा जी और आपने वो 10 जगह ऐसी चुनी कि भाई जहाँ सिर्फ कलाकारों को ही पहुंचे। जी। और वो हम लोगों ने, कलाकारों को भी हमने नहीं चुना, 10 ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई किया, उनसे बातचीत की, उनको कहा कि आप अपने स्टेट में से 10 10 12 12 लोग आप चुनिए और उनके नाम से वो पैसा उन डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। और ये तब हुआ जब यहाँ के लोगों ने और बाहर के लोगों ने उतनी राशि उसमें डाली भी, और उसमें काफी कलाकार भी थे जी जिन्होंने जी मैं हमेशा उसको चेक करता था, और जी मैं कुछ कलाकारों के नाम देखे, उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिल्कुल चाहे आदमी 1 रुपया अपने दिल से दे रहा है, लेकिन उसके दिल में ये तो आए कि मैं कुछ करूं। चुन्नी जी बिल्कुल भाई का ये मैं चुन्नी भाई का एक इन्हीं जी मैसेज है, आप पढ़िएगा। वाई आर परफॉर्मिंग आर्ट्स फोटोग्राफर्स नेवर फीचर इन लार्ज कल्चरल इवेंट्स और हैव दे बीन लाइक एन एग्जीबिशन डिस्प्ले। ये एक्चुअली इन्हीं जी देर हैव बीन सम, फॉर इंस्टेंस इन सवाई गंधर्व, राइट सुधीर, देर हैव बीन फोटोग्राफी एग्जिबिशंस, इवन इन सप्तक दे हैव फोटोग्राफी एग्जिबिशंस। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन और भी होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए इन्हीं जी के, जब किसी फोटोग्राफर का फोटो हम लोग इस्तेमाल करते हो हैं अपने पब्लिसिटी के लिए, एक तो उनसे परमिशन लेनी चाहिए फोटोग्राफर से, और बाकायदा उनको फोटो क्रेडिट भी देना चाहिए। इसका दूसरी बात भी कहता हूँ कि हम लोग कितना भी चाहे फोटो क्रेडिट देने के लिए, लेकिन कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजर्स भी मिलते हैं जो कहते हैं कि पोस्टर में जगह नहीं थी। हाँ, और उनको पोस्टर में इसलिए इसकी भी जगह नहीं होती कि संगत कलाकार कौन है। बेशक जी अपना नाम बड़ा होता है, जो ऑर्गेनाइजर है उनका नाम बहुत बड़ा उनका नाम होता है, बड़ा लेकिन संगत कलाकार कौन है नहीं मालूम, फोटोग्राफर कौन है नहीं मालूम, बाकी सब चीजें होती है पोस्टर में, तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं होना मैं चाहिए। मेरे ख्याल में दिल में पहले जगह बनानी पड़ती है, फिर सब चीज ठीक अपने जगह पे आ जाती है। दिल नहीं में नहीं ही अगर उनको जगह है डर, सुधीर जी दिल में भी बनाते हैं लेकिन उनको डर है कि बिल में जगह बनानी पड़ेगी, तो ये इसलिए फेथ होना चाहिए। थैंक यू फोटो क्रेडिट के अनिल जी, लिए लड़ाई लड़ाई तो चलती तो रहती चलती है। रहती है, वी हैव क्रेडिट आवर सेल्स मेनी टाइम्स। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या मैं है ना चाह रही मुराद हूँ। भाई, कलाकारों के बारे में मैंने जैसे फ्रेटर्निटी की बात की है, तो फोटोग्राफर भी तो कलाकार ही है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सिर्फ म्यूजिशियंस के बारे में सोच के कैसे चलेगा, या सिर्फ डांसर्स के बारे में सोच के कैसे चलेगा। तो जी फोटोग्राफर जो भी काम कर रहे हैं उसमें, जैसे अपने साथ जैसे नितिन जोशी है ऑडियो इंजीनियर जी है, या तनय जी है, कोई भी जी है ऑडियो इंजीनियर, तो उनका भी जिक्र होना चाहिए बाकायदा। ये जो हम लोग ये टेल मी अबाउट इट सीरीज कर रहे हैं, इसमें इन्हीं भाई ने कुछ टेक्नीशियंस को भी इनवाइट किया है, जी तो जी उनसे कुछ डेट्स वगैरह ले ली हैं। उसमें लाइट डिजाइनर भी हैं, कुछ वेरी फोटोग्राफर गुड भी हैं, कुछ साउंड इंजीनियर्स भी रहेंगे,
बढ़िया तो ये बढ़िया हम लोगों ने जिक्र किया कि सभी के लिए ये हो कि वो क्या सोचते हैं इस टाइम के बिल्कुल लिए, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रगल तो उनके लिए भी है। सही बात है, सही बात है। जब तक अभी लाइव अभी कॉन्सर्ट नहीं होंगे तब तक जी, स्ट्रगल सबके लिए है। अभी अभी क्या है, पूरे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशंस है। तो इंडिया में अभी ऑलमोस्ट सभी के जो रोजी रोजगार है वो खुल चुके हैं। इवन अगर वो साइकिल रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा हो या बाहर आम बेचने वाला हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो या बिजनेसमैन हो, लेकिन एक कलाकार है जो घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन जी कलाकार को तो मजमा चाहिए होता है और इस जी दौर जी में जी भीड़ चाहिए, और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का वो मेंटेन जी करना जी जरूरी है। पिछले बिल्कुल सही दिनों में सुनने में आया था कि भाई शायद वो कुछ 30% अलाउ करके ऑडिटोरियम खुल जाए जुलाई में जी। या नहीं अगस्त में, लेकिन उसको लेकिन बहुत टाइम है भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूज़ में कि कितने हालात खराब खराब हैं। हो गए। जी जी तो जी तो सेफ्टी को एटलीस्ट रखना जरूरी है। जो जो लोग फेसबुक लाइव अपनी ऑर्गेनाइजेशन से करवा रहे हैं या अपनी संस्था से या कोई सोसाइटी है या बड़े स्केल पर कुछ कर रहे हैं, उनको पे करने देना चाहिए कलाकारों को। बिल्कुल, क्योंकि उनकी उनका बजट जो पहले से है वो लाइव कॉन्सर्ट में नहीं हो रहा है, तो फिर ये ऑनलाइन सेशन के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि जो सिर्फ मेंबरशिप पे चल रहे हैं और शायद उनका मेंबरशिप रिन्यू नहीं हुआ है इस साल, तो वो शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पुराने जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने एक राशि इकट्ठा की हुई है, कॉर्पस है उनका, फंड है उनका, और जिसके इंटरेस्ट पे वो ये सब काम कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट तो उनको अभी भी मिल रहा है, तो फिर वो क्यों आर्टिस्टों को कह रहे हैं कि भाई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस तो यू प्लीज कम एंड परफॉर्म। कहाँ तक पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस स्प्रेड सही करेंगे? बात नहीं भाई। 30% में भी हमें हमें समझ समझ नहीं नहीं आ है। रही। जी रूपक जी भाई का मैसेज आया, तुमने भाई, भी सही बात। नमस्ते और रूपक भी कुछ जी। कलाकार हैं, रूपक रूपक जी हैं, रूपक भाई, विजय घाटे जी हैं, अरे अरविंद कुमार नमस्ते आजाद विजय हैं, भाई, नमस्ते अरविंद और जी। अरविंद, बहुत लोग आए हैं। आपको जी कैसे जी दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दिखा नहीं, रहा, कोई पहले बात दिखाई नहीं। दिया, अभी अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा निकल गए। डॉक्टर साहब का कहना है पेमेंट देने से पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। अच्छा एक एक ये और सवाल, एनी प्लान्स टू एनी लुक एट द लीगैलिटी ऑफ सॉन्ग राइटर्स, म्यूजिशियन, सिंगर्स, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट राइट्स अंडर योर एजिस? फॉर इंस्टेंस द कॉपीराइट इश्यूज, प्लगिंग फिल्म म्यूजिक लेगिंग इन। लेगिंग फिल्म म्यूजिक इज स्टिल एट अ नेसेंट स्टेज एंड सिंगर्स रेम्यूनरेशन और रॉयल्टी इज सीवियरली अफेक्टेड। सो अर्नब, एक्चुअली वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एवरीबडी। ईच ऑफ दीज पार्ट्स सेक्शंस ऑफ द म्यूजिक कम्युनिटी दे हैव देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज एंड सम ऑफ देम आर कलेक्टिंग सोसाइटीज ऑल्सो। सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एवरीबडी, वी कैन ओनली स्पीक फॉर दोज हु वी आर अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, एंड दैट टू वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देम बिकॉज दे हैव नॉट चोजन अस और दे हैव नॉट नॉमिनेटेड अस टू स्पीक फॉर देम, बट वी कैन ओनली वॉइस एन ओपिनियन एंड होप दैट अदर्स विल सपोर्ट अस। कालीनाथ भाई नमस्कार, कह रहे हैं मुराद भाई को मैंने दिखा। मैंने इससे पहले काली भाई का कमेंट शो किया था, शायद काली भाई ने नहीं देखा। काली भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा रजनीश लग रहा है कि मिश्रा आप यहाँ जी, पर ये नमस्ते डिस्कशन के नमस्ते, लिए आए सभी हैं। को नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो ये डिस्कशन जो खासतौर पे कलाकारों के लिए, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, चाहे डांसर्स हो, या कोई भी जो भी आर्ट फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं जो अभी भी
सब कुछ खुलने के बाद भी घर में ही है, तो उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहें जो बहुत पॉजिटिव हो जी, एक आने वाले कल के एक लिए। एक मैसेज तो मेरा डायरेक्ट है। मैसेज क्या, इल्तिजा है कि म्यूजिशियंस अगर एक दूसरे को नहीं सुनेंगे, हम लोगों ने इसके बारे में बात की है मुराद जी भाई, जी आपने कहा कि कुछ लोग एक दूसरे की तारीफ नहीं करते, और जी मैंने तब कहा कि जब एक दूसरे को नहीं सुनेंगे तो तारीफ कैसे करेंगे। हाँ, सही झूठी तारीफ तो अलग बात है, बट बात, असल में अगर तारीफ करनी है तो पहले सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और तो सुनने के लिए कभी कभी पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में टिकट खरीद के आए लोग, तो आपको भी आपको टिकट भी जाना खरीदने पड़ेगा, पड़ेंगे दूसरे के बिल्कुल सही बात, प्रोग्राम में जाने के लिए। जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही जब बात, अपना टर्न होता है ऑडियंस में जाकर बैठना, तो हम क्यों चाहते हैं कि फ्री पास हो? सही बात है। और ये सभी के लिए है। और ये तर्क मतलब शुभा ने इतना अच्छा समझाया सुधीर, कि शी बिल्कुल सेड कितने म्यूजिशियंस होंगे, अगर हर म्यूजिशियन ने ये तय किया कि ये महीने में मैं इतने 5 रुपये या जो भी है मैं टिकट पे खर्च करूंगा, आप सोचिए कितने लोग, कितने फंड्स बिल्कुल इकट्ठा होंगे प्रोग्राम के लिए। सही बात, सही बात, बिल्कुल और उसी तरह वो दूसरे म्यूजिशियंस को भी वैसे ही सोचना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो नहीं होता बहुत बहुत बार, बार नहीं होता, जी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं लेते हैं एक दूसरे के। जी एक बिल्कुल। और फिर एक जो सवाल, पैसे इन्वेस्ट कर जी रहे हैं वो तो अपने क्षेत्र के लिए है, तो उसमें क्या वही, मतलब हाँ, कम से कम ऐसा तो ये तो सोचेंगे। सभी कलाकारों को, चाहे मैं हूँ या आप हैं या कोई भी कलाकार है, अगर कलाकार कलाकार को हेल्प नहीं कर रहा है इसमें, तो फिर ऑर्गेनाइजर स्पॉन्सर से शिकायत नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब पहले सुधीर तो जी, कलाकारों में सुधीर इरिटेट हो भाई, जाए। सुधीर जी एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण। जी कितने जी प्रोग्राम को जब नहीं भी बजा रहे, वैसे तो वो बहुत बिजी होते हैं, लेकिन जब नहीं भी बजा रहे तब कितने प्रोग्राम वो सुनने को जाते हैं। और टिकट लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात है। मैंने मेरे विद्यार्थियों और को भी यही कहा स्टूडेंट्स को भी, कि आप स्टूडेंट्स को भी जी करें। जी मैंने मैंने देखा है सुधीर भाई को, ये कभी हम लोग साथ में, अगर शुभा जी के साथ या राशिद भाई के साथ कभी भी संगत की, तो वो हमेशा उनके शागिर्द वगैरह आते हैं और टिकट लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को ये भी सोचना है कि जो ऑर्गेनाइजर है वो कहाँ तक पासेस देंगे ना। एक हाँ हाँ अच्छा, बिल्कुल कई सही, कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजर्स के पासेस होने पर भी वो नहीं देते, और कई बार ऐसे भी होता है कि सिर्फ मेन आर्टिस्ट को देते हैं पासेस। जी। तो लेकिन आपको पता है, जब हम लोग साथ में गाते बजाते हैं तो हम बाकायदा, मतलब मुझे पता है क्योंकि वो शुभा ईमेल में लिखती है कि जी अग्रीमेंट में होता है वो, कि जी अकम्पनिंग म्यूजिशियंस मस्ट आल्सो गेट एक्स वाई जेड पासेस। पासेस, हाँ ठीक, तो टोटल ग्रुप के लिए इतने पासेस है। अभी टोटल ग्रुप के पासेस लेंगे और खुद ही रखेंगे तो कैसे चलेगा ना। सही तो बात, ऐसा सही नहीं बात, होना चाहिए। और दूसरी बात है, उसके बावजूद, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स है या फ्रेंड्स है उनको खरीद के आना चाहिए। तो मैं इस वजह से मैं बार बार ये जुलाई 25 और 26 के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि के मुझे कलाकारों को आप समझ उम्मीद जाना है, चाहिए। जी उम्मीद है कि जो देखने सुनने वाले हैं उनमें से कई लोग इसमें शामिल होंगे, इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह, आगे बिल्कुल उनके सही भी बात, प्रोग्राम्स होंगे ना उनके भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो इसी उनको, प्लेटफॉर्म जी, ये एक सवाल फतेह भाई बहुत देर से इंतजार में है, पे। आप कहिए। हालांकि ये बात हम कर चुके, लेकिन वो फिर कुछ लोगों का मानना है कि कलाकारों को फेसबुक लाइव नहीं करना चाहिए, वरना लॉकडाउन खुलने के बाद लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। लाइक, अरे इनको तो हमने ऑलरेडी फेसबुक पे सुन लिया है, क्या ऐसा मानना सही है? तो एक्चुअली ऐसा भी है मुराद भाई, कि कितने लोगों के रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे भी चढ़े हुए हैं, जी
कोविड नहीं भी था तभी भी, भी चल रहा लेकिन हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव कॉन्सर्ट में लोग नहीं आते। है, बिल्कुल सही। जिनको लाइव कॉन्सर्ट से मजा लेना है, आनंद उठाना है, वो आएंगे ही आएंगे। आएंगे बिल्कुल सही। और जो फ्री वाले हैं, जिनको उठकर कहीं जाना आना पसंद नहीं है, वो लैपटॉप खोल के या डेस्कटॉप खोल के वो देख लेंगे। हाँ, यूट्यूब पर देख लेंगे। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे जमाने में जो सुना बस उसके बाद कुछ नहीं है, तो ऐसे भी है। तो लोग तो अपना समाज इतना बड़ा है, तो हर विचार के लोग हैं, तो सबको हाँ, हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर हाँ सकते, सही बात है। जी तो वो मेरे ख्याल से जो फतेह भाई का जवाब आपने दे ही दिया, फेसबुक लाइव आना बुरी बात नहीं, लेकिन फ्री में लाइव आना बुरी बात है। जी मतलब फाइनली ये हम लोग हर कलाकार पे निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है। जी, अभी जैसे मैं शाम को हम लोग जिक्र कर रहे थे सुदीप भाई, या आपसे भी जिक्र हुआ था कि अगर कलाकार कलाकार को इनवाइट कर रहा है, तो अब उसमें एक तो पहले खुद भी सोचना चाहिए कि अगर मैं इनवाइट करूं किसी को तो कुछ नहीं तो नजराना तो मुझे कुछ करना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो चलो कलाकार है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कलाकारों को इन्वाइट कर रही हैं कि भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आके परफॉर्म करिए, आधा घंटा करिए या 1 घंटा करिए या 10 मिनट करिए, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस को सोचना चाहिए कि भाई कलाकार को बुला रहे हैं, इनको थोड़ा पे करना जरूरी है। उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मेरे मुझे लगता है कि फ्री नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि अभी काफी ये डिस्कशन तो माशाल्लाह ये चलता वक्त रहता है जी और जी 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 वक्त भी बढ़ गया है। एक हमारा जो एक आखिरी सवाल, जी बहुत कुछ बातें हुई नई जनरेशन को भी लेके, इस्टेब्लिश कलाकारों को भी लेके, यूनिटी को भी लेकर, लॉबीज को भी लेकर, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं आर्ट फ्रेटर्निटी में कि जिसको चेंज होना ज़रूर चाहिए, कि भाई ताकि आगे कला और कलाकारों का दोनों का ही भला हो, सेविंग के लिए कि भाई कला भी सेव रहे और कलाकार भी सेफ रहे। तो बिल्कुल अगर आपको एक दिन के लिए कल्चर मिनिस्ट्री का हेड बनाया जाए, तो आप उसमें क्या क्या चेंजेस लाना पसंद करेंगे? क्या अरे बाप रे क्या अच्छा चीजें ऐसी हैं जिनको आप बिल्कुल चाहते हैं कि ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए, यूं ये तो आर्ट आर्ट के लिए और आर्टिस्टों के लिए वायरस है। जी, यूं तो मैं चाहूंगा कि मैं कभी राजनीति से कभी जुड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसमें सच्चाई कहाँ पर है वो समझ में नहीं आती। तो जैसे हमेशा बुजुर्गों ने कहा है कि संगीत के बारे में जब कहा है कि फलाने का गाना कैसे रहा, तो कहते थे उनके गाने में सुर की सच्चाई है। कितना अच्छा है, वाह वाह, सुर की सच्चाई सुर की है। सच्चाई। तो जी अब राजनीति में क्या सच्चाई है मुझे पता नहीं, उसमें सच्चाई का क्या तकाजा है मुझे पता नहीं, इसमें सुर की सच्चाई का तकाजा है। जी हालांकि हम लोगों को अभी भी पता है, अभी ऑटो ट्यून के वजह से वो भी नहीं रहा है, सुर की सच्चाई भी नहीं रही कई बार। लेकिन एनीवे मैं कोशिश करता हूं आपके सवाल का जवाब देने। तो एक दिन तो नहीं चलेगा, एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, ये भी हम लोगों को पता है। लेकिन अगर मैं सपना देखूं, तो मेरे सपना ये होगा कि पहले तो जो गवर्नमेंट के अंडर जो संस्थाएं हैं, जी पहले उनकी जांच होनी चाहिए कि वाह वो शुरू किस लिए हुए थे, उनका कामकाज उस जो ओरिजिनल विजन है उस तरह से वो कामकाज चला के नहीं, पॉलिसीज वैसे थी के नहीं, जी और अभी के हालात में वो जो ओरिजिनल विजन है और वो जो पॉलिसीज थे या अभी भी है, उसको जांच पड़ताल करके
चेंज करने की जरूरत है या नहीं, नहीं ये पहले तो जो सरकारी जो जितने हैं संगीत नाटक अकेडमी है, IGNCA है वगैरह, आप जानते हो ना ये सब। जी 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 जी। तो ये सब अभी देखिए कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में इन संस्थाओं ने, चाहे वो केंद्रीय लेवल पे हो या राज्य सरकार के हो, इनमें से कल्चर मिनिस्ट्रीज तो स्टेट लेवल पे भी होते हैं, तो उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअली आर्ट और आर्टिस्टों के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं? जी मुझे पता नहीं है। कुछ कुछ लोगों ने, कुछ कुछ संस्थाओं ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, उन्होंने टू स्प्रेड पॉजिटिविटी वगैरह कुछ ये यूट्यूब चैनल पे वगैरह ये दो दो मिनट के मैसेजेस आप करिए, थोड़ा सा गाइए बजाइए वगैरह, वो तो करते ही हैं हम लोग, गाते बजाते हैं, वो नहीं भी कोविड नहीं भी होगा तो हम लोग गाते बजाते हैं। लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो अभी तो हम और आप तो प्रिविलेज्ड है कि घर है, खाने के लिए है कुछ, लेकिन जो लोग जिनके पास ये सब नहीं है उनके लिए क्या करेंगे? तो और बाकायदा इनके पास तो डेटाबेस होता है आर्टिस्टों का, जी जी। तो उस डेटाबेस को ही लेकर, या तो आप कहिए कि आपका डेटाबेस जो है वो 1960 का है, फिर सही बात है, वो अभी का है ही नहीं वो, तो फिर ये खुलेआम बता दीजिए कि नहीं है हमारे पास डेटाबेस। और अगर डेटाबेस है, आप बताइए, आकाशवाणी के पास नहीं है डेटाबेस, आकाशवाणी दूरदर्शन ग्रेडेशन जितने आर्टिस्ट है सबके नाम है, तो एक क्या है कि सरकारी लेवल पे जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस है, मान लीजिए आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जितने हैं, और फिर राज्य सरकार पे है, SNA के लोकल चैप्टर्स भी है स्टेट लेवल पे भी, ये एक दूसरे से बात नहीं करते। ये अभी सरकार की जो मशीनरी है, ऑफ कोर्स ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी मशीनरी है, तो मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन जब आप सरकार चला रहे हो तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और मैं किसी एक एक पॉलिटिकल पार्टी या एक फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकार, सही बात, सही। इनको इस बारे में बातचीत करनी होगी। और रही बात ये कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस की, या तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है, ये कहाँ तक म्यूजिशियंस की राय लेते हैं जब पॉलिसी बनाते हैं? कभी नहीं लेते हैं। हाँ, 10-15 लोग जो कमिटीज में बैठते हैं, वो कौन से बेसिस पे वो कमिटी में बैठ रहे हैं? वो हमारे नुमाइंदे नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। वो आपने उनको चुना है, हमने चुनकर उनको नहीं भेजा है, सही बात। लेकिन वो हमारा भविष्य वो डिसाइड करेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये मैंने कल ये क्वेश्चन पूछा था, नहीं जवाब नहीं, कि आजकल थोड़ा सा लगता है कि ऑर्गेनाइजर्स या कोई भी इस तरह के लोग वो डिसाइड करते हैं कि कला और कलाकार को वो अच्छा या बुरा, या इसको करना चाहिए इसको नहीं करना चाहिए, ये एग्जैक्टली वही बात। और मैं कलाकार की ओर से मैं ये सोचता हूँ कि कलाकार को भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ प्रोग्राम के बारे में या सिर्फ अवार्ड के बारे में या सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि फिर फिसल जाते हैं वो कि एक अवार्ड मिला बस खुश हो गए वो, भाई ये इस आदमी ने बहुत अच्छा किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा किया, नहीं, एक बड़ा जो कैनवस है उसके बारे में जब तक नहीं सोचेंगे तो जैसे मैंने कहा कि अगर जो कल्चर मिनिस्टर बना, जो अभी अभी जो मैंने कहा तो कभी बनाएंगे भी नहीं कोई, लेकिन अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशंस की जांच पड़ताल करनी होगी, और जितने जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल, सो कॉल्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, और जो संगीत शालाएं चलती है, उन सब की जांच पड़ताल करनी होगी कि ये कहाँ तक
जो ओरिजिनल विजन था वैसा काम कर रहे हैं, उस विजन का अभी के संदर्भ में कितना वो लाजमी है या चेंज करना चाहिए। अच्छा और बिल्कुल मेन बिल्कुल चीज, सब जितने स्टेक होल्डर्स हैं म्यूजिक कम्युनिटी में, उनका एक दूसरे से डायलॉग मिशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा, तो सुझाव भी नहीं होंगे, और जो चैलेंजेस है वो एक दूसरे के, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस के भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हम तब जान पाएंगे और उसका एक सोल्यूशन निकाल पाएंगे जब हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे ना। बात करें हाँ वो बात भी नहीं कर पाते हैं, कलाकार बात करने में भी झिझकते हैं जी, क्योंकि ये डर और रहता है कि वही आगे दूसरे दिन प्रोग्राम मिलेगा कि नहीं। जी एग्जैक्टली जी exactly। जी और तो आप लेकिन मैंने कई मैं बार सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि अगर आप अपने तालीम पे और रियाज पे आपको कॉन्फिडेंस है तो ये तो इन चीजें नहीं आप सुधरी। हटा नहीं सकता कोई। बिल्कुल सही ये शायद मैं बहुत आइडियल सिचुएशन बोल रहा हूँ, आदर्शवादी हो रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं सही मायने में ये सोचता हूँ कि इन बिल्कुल चीजों सच है। पर अपने नहीं में अगर आपको याद विश्वास होगा, नहीं होगा तो दूसरे पे कैसे होगा। आपको याद होगा यही टॉपिक पर हमने COVID-19 नहीं लेकिन कुछ और टॉपिक्स पे सेमिनार रखा था अपने फेस्टिवल में, जिसमें सिर्फ दो कलाकार आए थे, क्रिटिक्स सब आ गए थे। तो जी, बड़ा अजीब लगा कि यार कलाकारों के लिए, और ये इसी चीज के लिए रखा कि आपस में डिस्कस करें अपनी अपनी परेशानियां या कुछ शेयर करें, लेकिन कोई नहीं आया इसी डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रिटिक्स कुछ लिख दें, ऐसा ना हो कुछ ऑर्गेनाइजर को कुछ बुरा लग जाए। तो सबसे नहीं, पहले क्रिटिक्स यूनिटी क्रिटिक्स से और मीडिया से लोग डरते भी हैं, और लेकिन क्रिटिक्स को भी ये सोचना होगा कि मैं सब जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी कुछ क्रिटिक्स होते हैं जो बिना किसी प्रोग्राम में जाए गए भी रिव्यू लिखते हैं, या तो राग की समझ नहीं है, ताल की समझ नहीं है, फिर भी आप रिव्यू लिख रहे हो, फिर आपको बिल्कुल कलाकार, क्योंकि आपने अच्छा रिव्यू दिया तो कलाकार आपके पैर पड़ते हैं, तालियां बजाते हैं आपके लिए, तो आप और भी खुल जाते हैं। तो ऐसा भी दौर चला है, पहले भी चला है और आज भी चलता है, तो थोड़ा हाँ सा क्रिटिक्स ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। सही बिल्कुल सही बात आपको नहीं समझ में आती कोई बात तो आप पूछ लीजिए पूछ बेशक लो। कलाकार को कि बिल्कुल सही कौन सा बिल्कुल राग सही है, ये कौन सी हाँ बंदिश है। हाँ वो ज्यादा अच्छे हैं कि जो जी पूछ लेते हैं। जी जी और रही बात जैसे ये एक सही दिशा में जो आपने ये रास्ता कलाकारों को के लिए चुना है गिफ्ट अ कॉन्सर्ट, मैं फिर जी उसी जी वहीं पर आता हूँ कि जी वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये बातचीत करेंगे, ये पता नहीं वो कौन सा जमाना आएगा कि जब ये सब कुछ बेहतर हम सब देख पाएंगे और आने वाले कलाकार देख पाएंगे। लेकिन ये जो इनिशिएटिव आपने और शुभा जी ने गिफ्ट कॉन्सर्ट के जरिए शुरू किया है, हम ये सब ने कहीं किया है टोकी मुराद है। भाई, हम सब ने किया है। जी, भाई हाथ पकड़ के ले जाने वाले भी तो होने चाहिए ना, जब रास्ता रास्ता सूझ नहीं रहा तो पकड़ के ले जाने वाले भी होने चाहिए। लेकिन तो आपने आप उनकी अपना वजह भी से हाथ आगे किया ना। जी, ऐसे भी कलाकार हैं वो डरेंगे हाथ बढ़ाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद भाई, खैर और मैं हमेशा मैंने हाथ बढ़ाया और आपने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी वैसे ही दुआएं कि वो सुनी भी, और जी, बिल्कुल वो हम सब पकड़ेंगे। और वो जो कॉन्सर्ट हो रहा है ये मैं जी एक जरूर महुआ जी की तरफ से आया है लिखा हुआ है, बिल्कुल हम जरूर शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महुआ जी, और मुझे इस आपके सेशन में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। बहुत और बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें हैं कि जो धीरे धीरे खुलती हैं भरसा लेकिन हुआ वक्त कि मुराद वक्त भाई और सुधीर जी से एक्चुअली मिल पाए, लेकिन इस बहाने मुलाकात हुई।
इंशाल्लाह मैं कहूँ ऐसे बहाने और जल्दी आए कि इसके अलावा आमने सामने मुलाकातें हो। जी, बिल्कुल चलिए बिल्कुल, बहुत यही बहुत होता शुक्रिया अनिल भाई, और सुधीर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 जल्द शुक्रिया। सुधीर भाई भी आने वाले हैं। वाह बढ़िया बढ़िया, बहुत हम उसमें ऑनलाइन आएंगे, देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, इतनी नॉलेज हमको मिली है, और जितने सुनने वाले हैं बहुत सारे लोगों के जरा कुछ दिमाग जरूर खुले होंगे, जो शायद इसको अभी ना देखें बाद में देखें, जी कुछ आपके चाहने वाले कुछ हमारे चाहने वाले के जो जी शायद लाइव आने में थोड़ा सा झिझकते भी होंगे, तो हो जी सकता है यूट्यूब के माध्यम से इसको बाद में सुना जाए। और जी जरूर उम्मीद ये है कि क्योंकि हमने किसी एक व्यक्ति के बारे में ये बात नहीं कही है, तो कोई अपने आपको अपने लिए ये बात ना समझे, एक जनरल बात है और उसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। तो सभी का अच्छा हो ये बस यही दुआ है, और सब अच्छे रहें स्वस्थ रहें सेहत तंदुरुस्त रहें। इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ा कॉन्सर्ट, इससे बड़ा बेनिफिट इस पेंडेमिक टाइम में क्या होगा कि सब लोग स्वस्थ रहें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बाकी बहुत आगे आगे जो होगा वो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत बहुत ओके, खुदा शुक्रिया, थैंक यू, हाफिज, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक 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 यू सो मच सर। यू।